Okay, please tell about yourself. My name is Deepak Kumar. Okay. I belong to Chhapra Bihar. I am 20 years old. I have done my and 10th examination from Bihar Board Patna. And at this time I am pursuing safety officer course from Okay, Mr. Deepak, please tell me that what is the definition of confined space? How will you define confined space? Confined space, any enclosed space that has means limited, that has limited means and egress and may have toxic gases and may have flammable and combustible material and lack of lighting and lack of ventilation. Is called confined area. मतलब confined space जो चारों तरफ से घिरा और उसमें आने जाने का रास्ता हो और जिसमें जहरीला गैस और ज्वलनशील पदार्थ हो और प्रकाश की कमी हो, हवा की कमी हो, उसे confined space कहते हैं। Okay. According to you, what is HSE policy? HSE policy एक कंपनी का पूरे कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें अपना एम ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। What is accident investigation? Accident investigation is a process of identify cause behind accident to prevent similar happening. मतलब एक accident investigation वो चीज एक प्रक्रिया है जो accident के पीछे कारण को पता लगाता है। एक्सीडेंट के पीछे के कारण को रूट कॉज को मालूम करने के लिए हम लोग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक। अच्छा, किसी एक्सीडेंट के होने के पीछे कारण क्या होता है? अनसेफ एक्ट हो सकता है या अनसेफ कंडीशन होते हैं, रूट कॉज हो सकता है। ठीक। अनसेफ एक्ट और कंडीशन दोनों में क्या अंतर है? अनसेफ एक्ट है जो वर्कर के बिहेवियर के कारण होता है और अनसेफ कंडीशन है जो वर्कप्लेस पे सिचुएशन के कारण होता है। जैसे मैं मान लीजिए कोई जैसे मैं कोई वर्कर है वर्क एट हाइट पे बिना विदाउट टीपीज के काम कर रहा है, कॉन्सेप्ट कंडीशन ऐसे हुआ जैसे मान लीजिए ऑयल गिरा हुआ है और वहाँ पे काम हो रहा है वेल्डिंग का, तो वहाँ पे अगर रिमूविंग वेल्ड नहीं किया गया साफ सुथरा तो वहाँ पे फायर हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट कंडीशन में आ जाएगा। ठीक। हाउसकीपिंग क्या होता है? हाउसकीपिंग सर होटल वाला बताएं? नो नो, नॉट होटल। हाउसकीपिंग ये होता है साफ सफाई रखना। कोई मान लीजिए जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं गैस वो नहीं रहना चाहिए, चाहे ज्वलनशील पदार्थ बगल में नहीं रहना चाहिए, ये साफ सफाई रहना चाहिए, उसे ही हाउसकीपिंग करते हैं, किसी तरह का कचरा नहीं। क्यों साफ सफाई ही हाउसकीपिंग होता है? नहीं मतलब काम के अकॉर्डिंग के अनुसार वहाँ पे मटेरियल नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए फायर लगा था, कभी होज रेल ऐसे ही छोड़ देते उसको। जैसे मान लीजिए आप साइट पे हैं, ठीक है, और 50-100 सीमेंट का बोरी इसी तरफ फेंका हुआ है, तो हाउसकीपिंग में उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको ट्रक पे लदवा के कहीं कचरा में डलवा देंगे? नहीं नहीं डलवाएंगे। तो हाउसकीपिंग का मतलब क्या हुआ? हाउसकीपिंग का मतलब यही हुआ कि मतलब जो बिना मतलब के पड़ा हो उसे हटा दे, जिसका काम तो नहीं। वो भी मान लीजिए बिना मतलब का ही पड़ा होता है इधर उधर, वो भी काम का चीज होता है ना। हाँ। वो भी तो इधर उधर पड़ा रहता है। काम करके कोई मान लीजिए हमको सीमेंट का ही काम है, तो मान लीजिए सीमेंट तो ऐसे घर में हम लोग रखे रहते हैं, जैसे सपोज दैट सीमेंट को इधर उधर बिखरा रहता है उसको साफ सफाई कर देंगे और जो सजा के रखा हुआ है ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई काम कर रहे हैं वर्क एट हाइट पे, तो कोई इक्विपमेंट का हमको जरूरत पड़ता है, जैसे मैं हथौरा का, तो हथौरा काम करके वहीं पे छोड़ दिए तो ठीक नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। मतलब
अगर हाउस कीपिंग कर रहे हैं तो हाउस कीपिंग का साफ सफाई होता ही है, साथ ही साथ आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, टूल्स इक्विपमेंट का, मटेरियल का, सभी को ऑर्डरली आप अरेंज करके रखिए, ये हाउस कीपिंग होता है। ठीक है, मैनुअल हैंडलिंग जब कभी अगर हो रहा है तो आप क्या क्या खतरा देखते हैं इसमें? उसमें तो पहले बॉडी पोस्चर देखेंगे, एक ही तरह से आदमी काम कर, क्या पूछे हजार क्या खतरा हो सकता है। खतरा यही कि मान लीजिए सपोज दैट हम लोग कुदाल से मैनुअल, आप मैनुअल हैंडलिंग मतलब क्या चीज, कौन सा वर्ड? मैनुअल हैंडलिंग मीन्स यू आर कैरिंग एनी ऑब्जेक्ट बाय योर फोर्स, बाय योर हैंड एंड बाय योर फोर्स। तो सपोज दैट मैनुअल हैंडलिंग से हम लोग खुदाई कर रहे हैं कुदाल से, मीन्स आप मैनुअली किसी बॉडी को उठा के एक जगह दूसरे जगह ले जा रहे हैं, रख रहे हैं, किसी कैटून को एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जा रहे हैं, रख रहे हैं, उस टाइम क्या खतरा देखने को होता है? उस टाइम यही खतरा हो सकता है कि पहले बॉडी पोजीशन, मान लीजिए बार बार हम झुक रहे हैं तो अगर गलत तरीके से झुक रहे हैं तो हमारे शरीर में पेन हो सकता है। उसके बाद सपोज हाथ से छूट सकता है वो, तो पैर पे गिर, पैर भी कुचल सकता है। ठीक है, और मान ये बॉडी पोस्चर ज्यादा दिक्कत होगा और पैर में चोट लगेगा। ठीक, अच्छा इसी से रिलेटेड आता है एर्गोनॉमिकल हजार्ड, ये क्या होता है? एर्गोनॉमिकल हजार्ड ये होता है कि हमको काम से रिलेटेड जो हजार्ड होता है वो एर्गोनॉमिकल हजार्ड। ठीक, चलो हम लोग फायर की तरफ थोड़ा मैं ऊपर से क्लास ऑफ फायर के बारे में बताइए। क्लास ऑफ फायर होता है क्लास ए फायर जिसमें सॉलिड मटेरियल में आग लगता है तो क्लास ए फायर होता है, क्लास बी फायर जिसमें लिक्विड में आग लगता है, सपोज दैट मान क्लास ए फायर में सपोज दैट जैसे टेबल हो गया, यहाँ पे जो भी मटेरियल क्लास ए फायर में आ जाएगा, और क्लास बी में लिक्विड जैसे में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन तेल हो गया, क्लास सी में आपका गैस हो जाए एलपीजी हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा, क्लास सी, क्लास डी में मेटल हो जाएगा, क्लास एफ किचन हो जाएगा, और क्लास डी जो इलेक्ट्रिकल में आग लगे जैसे में मान लीजिए कि इन्वर्टर में आग लग गया। ठीक है, तो ये जो क्लास ऑफ फायर आप बता रहे हैं तो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या यूज़ करेंगे यहाँ? एक्सटिंग्विशिंग मीडिया अगर सपोज दैट अगर क्लास ए फायर में लगता है तो वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, और क्लास बी यानी कि क्या बोलते हैं लिक्विड में लगता है तो इसमें डीसीपी का भी यूज कर सकते हैं और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज सकते हैं, और क्लास सी में भी CO2 का और डीसीपी का यूज कर सकते हैं। डीसीपी ऐसा एक्सटिंग्विशर है जो ए बी सी तीनों क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, फोम का पांच टेक्निक, ये फायर का एक्सिक्यूशन का एक टेक्निक है, पी मतलब पुल द चैन, और ए मतलब एम द बेस ऑफ फायर, और एस मतलब एक्सक्यूज द लीवर, और एस मतलब स्वीप साइड टू साइड, स्वीप साइड टू साइड। ठीक है, अच्छा आप आग पर कैसे काबू पा सकते हैं? आग सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे आग लगा है तो सबसे पहले तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो पहले हम लोग ज्वलनशील जो मटेरियल है उसको हटा देंगे, या अगर एक्सटिंग्विशर है तो उसका इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन को रोकेंगे, या हीट है तो उसको पानी फेंक कर उसको तापमान को कम करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, आप रिमूविंग प्रोसेस बता रहे हैं, हीट से अगर किसी फायर से हीट को हटा दें, फ्यूल को हटा दें, ऑक्सीजन को हटा दें, ये सब प्रोसेस को क्या कहते हैं? फायर ट्रायंगल। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे आप किसी आग से हीट को हटा रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कूलिंग का नाम सुने? कूलिंग का नाम सुने? कूलिंग का नाम। अगर आप फ्यूल को हटाते हैं तो? फ्यूल को हटाते हैं तो ईंधन को हटाते हैं,
तो ईंधन को हटा दें तो कूलिंग हुआ, स्टार्वेशन जी। और हीट को हटाते हैं तो कूलिंग हुआ। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में क्या जानते हैं आप जी? ट्रांसमिशन